पैर का सारे उंगली खोल के रखते हैं, हाथ का उंगली खोल के, उसके बाद चॉकलेट 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 मैंने सिर्फ लॉन्ग दिया है थोड़ा ज्यादा करके, और उसमें छॉक लगा के, जैसे लॉन्ग को छॉक लगाते हैं, और इसमें अभी फ्रेग्रेंस वाला जो भी राइस आपके पास है, आंबे मोहन या बासमती भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ग्रेन राइस अच्छा होता है। थोड़ा सा हल्का सा भूनना है, जितना क्वांटिटी में राइस है उसका डबल पानी देना है, 10 से सॉल्ट और शुगर, ये हल्का सा मीठा मीठा होता है, और थोड़ा सा केसर चुटकी भर। और ये जब बॉयल आने लगा है उस टाइम पे मैं ढक के धीमी आंच पे अभी 10 मिनट इसको पकाऊंगी, और ये 10 मिनट बाद मैं खोल के उसमें जस्ट थोड़ा सा मैं घी डालूंगी ऊपर से, और बंद कर देना, अभी 10 मिनट बाद इसको हिलाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबने देखा है मैंने एक राइस बनाया, ये राइस ना मतलब गोवा में एक क्या बोलते हैं स्पाइस प्लांटेशन है वहाँ पे खाई थी, तो एक लॉन्ग जैसा खुशबू, मैक्सिमम उसका फ्लेवर होगा लॉन्ग का, लेकिन उसमें राइस एक मोटा वाला राइस यूज किया था, लेकिन वो तो नहीं है, तो नॉर्मल मैं फ्रेग्रेंस वाला राइस से यूज कर रही हूँ। और इसमें मैंने चिकन बनाया जैसा गोवा का गरम मसाला देके, तो सिंपल से चिकन करी। एक्चुअली आज क्या बनाने वाली थी पता है, केरला का चिकन शांतनु ने बनाया था वही वाला बनाने, मतलब आज खाने का मन था और वो बहुत अच्छा बना था, लेकिन उसके बाद देखा कोकोनट ही नहीं है, और विदाउट कोकोनट पॉसिबल नहीं है, तो वही इसीलिए चलो खाना खा के अभी 2:30 से ऊपर हो चुका है। संडे होता है, संडे किसका किस कौन सा टाइम पे खाना खाना होता है बताना तो जरूर, मेरा तो कभी कभी 3 भी बज जाता है, पता ना, तभी तो मुझे थोड़ा बहुत संडे होता है लेट। और ये राइस अगर 10 मिनट के बाद अगर आप हिलाएंगे तो जो राइस है वो टूटता नहीं है, तुरंत हिलाएंगे तो स्टिकी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा स्पाइसी बना है इसलिए इसको मीठा मीठा अच्छा लगता है उसके साथ, सेम कॉम्बिनेशन वही वहाँ पे गोवा में खाई थी। Surprised, but I know I'm not over you. I keep missing our fights, even though they're so overdue. We had a fire, now we're watching it burn low. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind, falling behind. I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like, you feel like the man. बर्तन धोना हो गया, एक्चुअली भूल गई थी, नहीं तो ये मेकअप करके कौन बर्तन धोते है। अरे सुबह से तो बर्तन धो लिया, लेकिन उसके बाद याद है, अरे सुनीता नहीं आएगी, सुनीता सुबह करके गई, उसका मायके वाला आ रहा है, तो ठीक है संडे एक दिन तो छुट्टी लेना पड़ता है, तो वही सारे बर्तन धो लिए अभी हाथ में। हाँ कोकोनट है बर्तन, देखा आप लोग बोलते हो ना मैत्री आपका नेल्स ठीक रहता है, ये मेन तो कोकोनट है, हाथ धोने के बाद या ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल है मैक्सिमम कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बस मॉइस्चराइजर होगा। चॉकलेट खरीदी उसने मैंगो व्हाइट खाया, मेरा वाला ऑरेंज व्हाइट, मेरा ग्रीन, स्वीटी ने कच्चा मैंगो,
मैं ऑरेंज बाइन पार्ले जी का ना पार्ले जी का मैंगो बाइट बहुत खाती थी। अभी तो मतलब वो ना मैं देख के वो पतला हो गया, इतना पतला। एक टेस्ट किया थोड़ा सा, लेकिन उसने कांच का डब्बे में रखा, बहुत सुंदर लग रहा। ऑरेंज बाइट तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, पार्ले जी का ऑरेंज बाइट उसका रैपर में। ये ऑरेंज व्हाइट, ये मैंगो व्हाइट तो देखा, लेकिन ऑरेंज व्हाइट पहली बार देखा। ये तो कच्चा मैंगो व्हाइट 50 रुपया ना, 50 पैसा रुपया। मेरा एक जैकेट लेना है ठंडी के लिए, तो वही पिछले एक महीने से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। और आके पहला जो ये जो धोने के लिए दिया था बेड, मतलब क्विल्ट, उसको सुखाने के लिए दिया है, क्योंकि बाहर वो काफ़ी हैवी है और बाहर का जो क्या बोलते हैं जिसमें कपड़ा सूखने देते हो ना, रॉड जैसा है, वो थोड़ा टूट गया। और ये कैंडल लाई हूँ, मेरा कैंडल ख़त्म हो गया था, मैं कैंडल जलाती हूँ। चाय बनाए बेसी उठी दिले कलो तीतो हो जाए, और कैंडल में डिफ्यूज़र में थोड़ा सा खुशबू अच्छा लगता है, माइंड को फ्रेश करता है। मैं नॉर्मली सैंडलवुड वाला जो खुशबू होता है ना, वो रिलैक्सेशन है, नींद के लिए बहुत अच्छा लगता है। सैंडलवुड हमेशा, मतलब काफ़ी दिन से जला रही हूँ, जब भी मतलब याद रहता है, बहुत अच्छा रिलैक्स जैसा, नींद नींद जैसा लग रहा है। और आप लोगों का कुछ जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है उसका मैसेज चेक कर रही थी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। वहाँ पे खा लिया था थोड़ा बहुत, इसी वाली भात खाया था, एक साउथ इंडियन फेमस राइस का डिश है, वही खाया था, स्वीटी या सैंडविच। नींद आ रही, अभी मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है मॉर्निंग, और अभी मैं योगा कर रही थी। तो एक्चुअली योगा करते समय या एक्सरसाइज करते समय ना, मैं रबर बैंड और दो साइड में क्लिप लगाती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा हेयर जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करता है। योगा हो गया, अभी 9:15 बज रहा है, आज थोड़ा सा लेट करके योगा स्टार्ट किया। सुबह में ना उठ के पहले बैठी थी 15 to 20 मिनट, शांतनु गए, उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट किया। होता है किसी किसी पे मन नहीं करता, कल बाहर गई ना तो थोड़ा सा थकान जैसा लग रहा है। कुछ ग्रोसरी भी था वो भी ले लिया, क्योंकि दाल कुछ जैसा इडली का दाल नहीं था, और जो उड़द नहीं वो व्हाइट वाला दाल होता ना वो नहीं था। मैं तुअर दाल और उड़द दाल ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती हूँ, क्योंकि बंगाली में अलग हिसाब से मैं बचपन से अलग सुनती आई हूँ। Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go over the details. Let me inside of your mind. यहाँ पे रहता है। कपड़ा धोने के लिए दिया था सुबह में उठ के, मेरा पहला काम देखिए हो गया या नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी काम होता है। दो बार दिया था और हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज था कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाने देना। तो मेडिसिन लेना था वो तो सुबह में हो गया, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज बनाया था सुबह में थेपला, शांतनु के लिए थेपला बनाया था। थेपला होता है ना मेथी का थेपला, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है वो, खाऊंगी। और चाय, थोड़ा सा चाय बनता है। दरवाज़ा खिड़की खोलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मेरा इधर पीछे का तरफ है ना, धूप नहीं आता। देखो सुबह लग रहा है, अभी भी धूप एकदम ही फील नहीं होता, तो मच्छर आ जाता बहुत। अगर आप 7 बजे 8 बजे भी अगर दरवाज़ा खोल कर रख दिया, इतने सारे मच्छर आ जाएंगे ना, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक करके नहीं रखा, तो अभी इसको पहले ठीक कर लूँ सटाक से, उसके बाद मिलते हैं आप सबके साथ।
say I'm insane in the rotting away. But I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Oh, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you bend a moment? Life is so easy. और यहाँ पे मैं टोमेटो आलू का पोस्तू खसखस डाल के बना रही हूँ. उसके लिए मैंने सूखी मिर्च मस्टर्ड ऑयल पे और सौंफ कलौंजी और मेथी एक साथ दिया है छौंक के लिए. और पोटैटो को भी फ्राई कर लिया. और अभी टोमेटो और सॉल्ट और हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक टोमेटो और पोटैटो सॉफ्ट ना हो जाए. और अभी जो खसखस पॉपी सीड का पेस्ट है वो डाल के, पोस्तू भी पेस्ट बोलते हैं वो डाल के, जस्ट कच्चा मस्टर्ड ऑयल डाल के ये सब्जी बन चुका है. और ये खट्टा टमाटर होगा तो बहुत टेस्टी बनता है. और यहाँ पे कॉलीफ्लावर का भी सेम फ्राई जैसा बना रही हूँ. सर पे धोया था, सर धोया था मतलब तेल लगाया था, गर्मी लग रहा था. और सातोरू जल्दी पहले पड़बल को खा लो. सातोरू जल्दी करके आएगा मतलब खाने के लिए, क्योंकि उसका एक मीटिंग है तो नियर बाय जो ऑफिस है उसमें है, तो वो ऑफिस से इधर आएगा तो उसके लिए बोला है मतलब जल्दी करके तैयार करके रखना. लग रहा है शांतनु देखो ऑफिस से आ गए अभी 1 बजे. मतलब सोचो ऑफिस से 1 बजे आने के बाद मैं बोला आज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस आया. मैं नहीं जा रहा, तुम जाके मेरे मीटिंग ये कर लो. मैं थोड़ा अभी खाना वाना खा के आराम से सोता हूँ. खाना वाना खा के आराम से नहीं, वो कचरा काम है. मैं बोल दूंगा कि मैंने मेरा सेक्रेटरी को मैं भेजा हूँ. जो देते हो ना तुम 1000 रुपया देते है महीना को. 1000 रुपया देते है सांत्वना मुझे. 5000 के लिए था ना मेहनत को. नहीं तुम्हारा सेक्रेटरी तो बनना ही नहीं है. फिर क्या बनना है? सेक्रेटरी कौन बनेगा? तुम्हारा बॉस बन सकते. हाँ ये ऑप्शन ठीक. नहीं सोचो ऐसा अगर रोज आता ना. इतने सालों में मुझे एक बार मौका मिला था, मतलब एक बार कुछ ट्रेनिंग या कुछ सेवा करने का मौका मिला था. सेवा करने का बन गया, रेडी हो गया. चलो 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 पहले खा लेते. भूख लग गया. अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है ना बॉटल भाई, अगर खुशबू आ रहा है बॉटल. नहीं नॉर्मली ऐसे खाना बनता है रोज हमारे घर पे. लेकिन मैं देखो उतना काम, देखो आज वीडियो मैंने अभी तक एडिटिंग का कोई आता पता नहीं है. थोड़ा बहुत सुबह में किया तभी वीडियो आज शाम को ही जाएगा. मंडे जो वीडियो आपने देखा है, तो मतलब होता है ना, मतलब दोनों एक साथ ताल मिलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं एडिटर तो नहीं रखी हूँ ना. मैं खुद ही एडिट करती हूँ, नहीं किसी और का हाथ में एडिट मुझे इतने पसंद नहीं. मैंने लेट करके स्टार्ट किया क्योंकि सोचा अभी गर्मा गर्म नहीं तो फिर से गर्म करना पड़ेगा. फिर भी तो नहाने से पहले मैंने चावल और दाल चढ़ा दिया था. ऐसा वाला लंच अगर रोज मिले ना, लेकिन रोज कौन बनाए? मैं तो नहीं बना सकती. बनाती हूँ लेकिन इतना सारा कभी, इससे भी ज़्यादा बनता है. आज टोमेटो की चटनी बनाने का मन था लेकिन टोमेटो वही थोड़ा सा ही था ना, उसी में ख़त्म हो गया. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. What a chat. ऐसे मैं रोज नहीं जाता. टिफिन सर्विस स्टार्ट करो. टिफिन हाँ बना के वहाँ पे मुझे ले लेके आओ गर्मा गर्म. मैं लेके तुम ऑफिस चेंज करो. जो नियर बाय उनका 2-3 ऑफिस है, तो नियर बाय जो ऑफिस है ना वो बहुत अच्छा है. तो वॉकिंग डिस्टेंस पे टोमेटो आलू पोस्तू शांतनु को भी बहुत पसंद है लेकिन बहुत रेयरली बनता है क्योंकि ये लोग गोल वाला टमाटो नहीं मिलता है. और ये कॉलीफ्लावर कलौंजी डाल के एक मतलब सूखी टाइप का फूलगोभी भाजा और दाल मूंग मसूर मिला के दाल और ये परवल, इसके साथ टमाटो का चटनी चाहिए था. टमाटो नहीं है और
और नहीं चाहिए, बस खाओ गर्मा गर्म। आज ना वेदर फिर से वही घिसा पिटा जैसा क्लाउडी टाइप का वेदर हो जाता है ना, इसको फिर से रात को दूंगी, क्योंकि बाहर ये बहुत भारी है और बाहर देती हूँ ना तो जब कपड़ा टांगने वाला रॉड रहता है ना वो भी सोचते हैं मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो, गिर जाएगा, टूट जाएगा, ऑलरेडी वो आधा टूटा हुआ है, सूख गया लेकिन अब थोड़ा होता ना मॉइस्ट मॉइस्ट टाइप का, चेयर पे रख दो सचमुच। बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली स्वीटी, जब बाहर जाती है ना ट्रेवल के टाइम या मायके वगैरह में जब जाती हूँ तब उसका बैग जो है ना वो स्कूल का कर लिया तो वो बुक्स ले जाने के लिए काफी बड़ा है, लेकिन ब्रांड फैक्ट्री में बहुत अच्छा है तो वही लिया, अभी इधर ही पड़ा हुआ है। स्वीटी का सूज ना छोटा हो गया, कल नहीं मिला, कल गई थी भी स्वीटी का सूज के लिए स्कूल का सूज, ये नाइकी का है 2 साल का है, हो गया उसका पैर भी मेरे जैसा उससे भी बड़ा हो गया, I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. पेट में चूहे दौड़ है, लेकिन अभी स्वीटी जब तक नहीं तैयार होगी तब तक मैं नहीं खा सकती, क्या करें, अभी खा लूंगी ना तो तभी बोलेगी तुमने खा लिया, सबने खा लिया, मैं अकेले रह गई, इसीलिए उसके साथ रह गए। इसका जो गोल गोल टमाटर होता है ना खट्टा नहीं है, और इसमें अगर खट्टा वाला टमाटर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। स्वीटी सो गई और मैं अपना जो वीडियो है आज जाने वाला है मंडे, जो वीडियो गया लेट करके गया तो वे एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करते करते एक बार क्योंकि उठ के आ गई, क्योंकि एक बार 4 घंटे लग जाते, 3 घंटे तो आराम से लग जाते, तो अभी अकेले क्या करूँ और ऐसे बैठे रहूँगी ना थोड़ा सा, मतलब मैं बेड पे आज बैठी हूँ, बहुत ठंडी लग रही है तो क्विल्ट लगा के बैठी हूँ, तो थोड़ा ठंडी के मारे मतलब थोड़ा होता ना नींद नींद जैसा लग रहा है, तो थोड़ा बाहर आ गई, वीडियो ये पेंट करूँगी, मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय। कन्वर्सेशन टेक्स टू सीरियस ऑफ पार्ट्स खुले खुले चांद को चले गए हाथ मेरा, अरे रीनी दीदी मतलब मेरा जो मौसी का बेटी है आपने देखा होगा, दीदी मेरा दीदी वो बाथरूम में बहुत टाइम लगाती थी, बहुत मतलब मेरा मौसा थी उसको बोलते थे तू क्या हर उंगली भी खोल के रखती है, पैर का सारे उंगली खोल के रखती है, हाथ का उंगली खोल के उसके बाद उसको वॉश करके लगाती, तो वो सुन के हमें इतना हंसी आती, तो सांतर की बात सुन के मुझे अभी वो दिन याद आ गया।